अभी तक कोई पसंद नहीं आया। अरे भैया अच्छा प्राइस में तो मर्द है चूँकि मैं तारा माई सर। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी करीब सुबह का 10 बज रहा है और अभी हम कार्ड लेके फिर से निकल रहे हैं। 6-7 रिश्तेदारी और बचा है, चलिए बांट देते हैं कार्ड को, है ना, जल्दी जल्दी, क्योंकि आज से शादी सिर्फ 6 दिन रह गया है तिलक। और कुछ मीठा चीज मार्केट से ही ले लेंगे देने के लिए, है ना? हाँ। और दोस्तों क्या याद आया मेरे को, हम लोग कल रात को ही चले आए थे शाम के टाइम में, है ना। और चलिए इस प्यारे से ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ। और अभी जाना है काजल के ननद के यहाँ, अभी यानी कि मेरे दीदी के यहाँ। तो ये बाइक को अच्छी तरह से पोंछ दिए हैं, एकदम चमक गए हैं, वाह वाह। और चलिए अभी चलते हैं कार लेकर। और ये वाला कार को हम लोगों ने ढक दिया यहाँ पे बढ़िया से, क्योंकि अभी धूप आएगा ना तो दिक्कत हो जाता है। इधर रखल वहाँ। तो अभी दोस्तों दिन का करीब 4:13 हो रहा है दिन का। मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी पूरा धूप में सुबह का निकले इस टाइम अब जाके आए हैं। और सारे मतलब कि जितने मेरे रिलेशन में कार्ड जाना था सब रिलेशन घूम दिए एक ही दिन में। मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर आज बाइक चला दिए। हम और भैया गए थे, धूप इतना ज़्यादा लगा है ना कि आने के बाद अजीब सा मियाज हो गया एकदम, पूरा ऐसा लग रहा है खाली नींद आ रहा है। तो मुँह में उंगली खाओ बस। बस कोई बात नहीं। और काजल अभी नहा धोवा के रेडी हो रही है। बेटा गिर जाओगी, देखो ऐसा नहीं करते हैं। तो इसमें नाराजगी क्या, मत आप गिर जाती तो हटो। तो वही कार्ड वर्ड सब बांट के आए हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे थे पंखा चला के। और काजल ने भी बनाया है रोटी और भुजिया। मैं सब्जी कटवा दी थी और दीदी बनाई थी, मैं नहाने लगी थी। अच्छा भाभी, तो चलिए मानसी को खिला देते हैं। ना काजल पेट दुखे हैं बोलो पूरा। हम उधर ना रिलेशन में एक भी शूट नहीं किए, क्योंकि क्या पता कि नहीं वो वीडियो से ऐतराज हो या फिर कोई दिक्कत है ना, इस वजह से उधर कुछ भी शूट नहीं किए। गए थे और रुके भी नहीं है बिल्कुल कहीं भी, 5-5 मिनट रुके थे बस पानी पी पी के। और इतना पानी पी लिए हैं कि पेट पूरा फूल गया है पानी से। हर जगह जहाँ जाओ वहाँ पानी। और काजल भी मानसी को खाना खिला रही है। और चलिए थोड़ा सा टहल लेते हैं, पेट में पता ना कैसे ऐसे पानी पीने से ना ज़्यादा प्यास भी नहीं मिट रहा है और प्यास लगे ही रह रहा है। मतलब कितना ही पानी पी लो प्यास बुझ नहीं रहा, पता ना क्या मौसम हो रहा है अभी का, है ना बेटा? आपका प्यास ही नहीं बुझ रहा है? नहीं बेटा, क्यों नहीं? कितना भी पानी पी रहा हूँ प्यास नहीं बुझ रहा है। तो मैं क्या करूँ बेटा बताओ? आपको पूरा पानी पिलाना पड़ेगा। मम्मी क्या कर रहे हैं? तो इतना ज़्यादा आलू आ गया है खरीद के और मम्मी सब आलू को इकट्ठा कर रही है। अभी इधर प्याज भी है और मानसी भी साथ साथ करा रही है और सब बाबू करा रहे हैं मिलजुल के। दादी नहीं थक जाए इसलिए। हाँ वाह, कितना हेल्पफुल है मानसी। फिर भी दादी आपको प्याज नहीं खाती है ना? जाने दो। ऐसा नहीं बोलते बच्चे को, जाने दो। तो चलिए अभी सारे आलू को इकट्ठा कर लेते हैं बोरा में भर के। का है बाबे लिया दिलो तिलकवा के एक दिन दो दिन पहले ना आए सड़ जाए सब के लिए थे ता तिलकवा के एक दिन दो दिन पहले हम लिए थे। और के ए वो कार्ड बांटे थे काहे तो के बांटल सारा कार्ड हम ही बटले बनी। हां मां भैया दोनों देखे मानसी गाइस कर रही है। तो फ्रेंड अभी हम इस टाइम कहीं चल रहे हैं और खाना पीना बन गया है और दिखा दीदी को भी लेके चल रहे हैं क्योंकि सब काम तो हो गया है। बस थोड़ा सा काम है तो मम्मी है आलू बस रखना तो बच्चों से रखवा रहे हैं। आय माइका को नहीं हलो जी, देखो तो गुड़िया ने की मन था मैं के लगाल। तो चलिए मम्मी को दीदी को बुला के लेके चलते हैं। क्या हर के पैसा हो रहा है ना तो हर के हम कुछ खरीद लेंगे। अभी आज प्रमोशन किए थे इंस्टाग्राम पर और कुछ रखे थे तो मिला के मैं और मानसिक पापा कुछ ले रहे हैं। मानसिक के लिए मैंने कुछ मंगा दिया था
तो आज आ गया। तो चले दीदी, चले रात हो गया, नहीं तो कने बस के कॉल है। क्या कर रही हो लल्ला? लल्ला क्या कर रही हो बताओ? दादी की मदद कर रही हो? बोरा में आलू डाल दी। चले जी, देखिए दोस्तों रात कर रहे हैं यही। अरे कहाँ आ रहे? चले हम उड़ी पर छोड़ लेता नहीं, इतना ज्यादा गर्मी हो रहा है। चलो बाइक का चाबी कौन बैठे नहीं है? कॉल बाबू पास गाड़ी की चाबी कहाँ? बेड पर है। तो फ्रेंड अभी हम लोग चल रहे हैं इस गाड़ी से, इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि कॉलू बाबू भी जा रहे हैं और पास में ही दुकान है, तो सोचे कि उधर सिटी में जाने से अच्छा पास में ही खरीद लेते हैं, क्योंकि पास में का दुकान मैं नहीं देखी थी, इसलिए सब लोग जा रहे हैं। और चलिए चल के दिखाते हैं, वहाँ पर क्वालिटी नहीं आ रहा है। अभी बोल सब सभी यूट्यूबर्स से मतलब ये बोलना है कि ड्रेस कोड भी है यहाँ पे, कोड नहीं हल्दी पर येलो चल। हल्दी के लिए येलो साड़ी लेके आना है सबको, और जेंट्स के लिए येलो कुर्ता हो सकता है। और हमारे सारे यूट्यूबर फ्रेंड के पास येलो मतलब है ही। आपके पास भी कलर है येलो? हाँ तो सबको बता देंगे आज, और जिनके पास नहीं होगा वो अरेंजमेंट कर लेंगे। और मेरे पास है एक दो, तो फिर मैं सोच रही हूँ ना कि पहने हुए ही पहनूंगी, तो फिर आप सब मतलब कितने मतलब यूट्यूब फैमिली है ना, तो बोलेंगे कि घर में का शादी है, फिर काजल वैसे ही पहनी है, एक कपड़ा नहीं कर देगी वो। तो हम कहीं कहीं से जैसे जैसे पैसे हो रहे हैं वैसे वैसे एक एक कपड़े एक एक चीज़ें हम करके खरीद ले रहे हैं। तो मानसी का भी मतलब हम कुछ दिन से रखे हुए थे, तो आज आया था ऑनलाइन में, ऑनलाइन से ऑर्डर किए थे तो आज आया था तो ले लिए उसको। मैं जिस दिन ऑर्डर करी थी उसी दिन से जुगाड़ करना स्टार्ट कर दी थी। फिर आज मैंने मतलब कुछ प्रमोशन किया था तो इंस्टा पे, और कुछ पास में थे करते तो करते अभी दो मिनट नहीं लगा, चलिए चलिए नहीं उठ जाएगा डर से, इसलिए हम बोले कि ना चलिए चलिए, इसलिए बोले तो उठ जाएगा तो फिर कहाँ से लेंगे, तो फिर हम मानसिक पापा ले लेते हैं। तो अभी इतना सारा साड़ी का थोक निकलवा ली है, और ये साड़ी किस लिए ले रही हूँ? हल्दी के लिए। हल्दी के लिए? और उसके लिए मटकोर का कहाँ है? अरे वो है मटकोर के लिए। अच्छा हल्दी मटकोर ऐसे बोलो, भाभी वहीं पे ले ली थी घर पे ही है ना। और ये दुकान में ना हम बहुत बचपन में जब छोटे थे ना तो आते थे यहाँ पे, मम्मी लेके आती थी है ना। तो ये देख सकते हैं हल्दी मटकोर के लिए साड़ी कैसा लग रहा है, आप सब कमेंट कीजिएगा इसमें कौन सा बेटर है ना। ये येलो है और ये वाला थोड़ा हल्का फीका येलो है ना, तो क्या बोल सकते हैं? अच्छा आ गए, मम्मी से बात करा देंगे, मम्मी का जान पहचान है, दाम हम लगवा देंगे मम्मी ना। अरे तू नया मॉडल ला भाई, देखिए हेयर बैंड लगा ली, सुबह भाभी लगा ली थी, अभी ये लगाई। उसी टाइम से टकटोर रही है पूरा, पता नहीं कब पसंद आया। अभी तक कोई पसंद नहीं आया। अरे भैया अच्छा प्राइस में तो मर दे, चूँकि मैं तारा माई सर रोज मम्मी के साथ है अपना, अभी बाहर नहीं सर। और ये देख सकते हैं इतना सारा सब्जियां लेके आए हैं, अब ये दो तीन दिन चल जाए। काजल का रेट सुनकर ना सब लोग चौंक जाते हैं। तो अभी ले लिए हैं फाइनल साड़ी, अभी दिखाते हैं घर पर दिखाएंगे, क्योंकि ना बहुत शाम का टाइम है, नहीं दे रहे थे कितना वो करके लिए हैं भैया दे दो जल्दी। तो अभी दोस्तों आ गए हैं घर पे, और आइए दिखाते हैं कैसा तो साड़ी लिए, खींच के धो के सुखा रहे हैं। चलिए दिखाते हैं किस तरह का साड़ी काजल ने लिया है हल्दी मटकोर के लिए, ये देख सकते हैं। ये साड़ी है दोस्तों 850, आप लोग बताइए। हाँ इसका प्राइस बताया कितना थे वो? 1700 से 1900। और काजल डायरेक्ट आधे कर दिया उसे, मैंने पहले 600 बोला। अच्छा, सही है। अच्छा और ये ना थोड़ा लाइट पे ऐसा दिख रहा है, बाकी बहुत ही प्यारा है। ऐसा
मार्केट बहुत कम कर, लास्ट में भाग आए थे तब जाके कम करके दिए थे, क्योंकि मैं उतना देते ही नहीं कभी, 800 से ज्यादा। इधर फूल बना, देखो देखो वो दे। आपका तो बहुत ही प्यारा ड्रेस आया है, घर पर है आपका ड्रेस आ गया है बेटा, घर पे है। इससे भी बहुत अच्छा। हाँ बेटा, आपका तो 500 का है मम्मा, और आपका? ये मेरा 800 का है। और मेरा 500 का है। हाँ, और पापा का ना मैं ली थी तो उसमें थोड़ा सा कट था, तो हमको सेम वही डिजाइन चाहिए, तो उनके पास नहीं था। और ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, टाइम नहीं है, और रात भी हो रहा था, फिर सोचा कितना मार्केट अभी जाना है, ले लेंगे हम जाके कहीं से। तो यही साड़ी है दोस्तों जो कि एक लिए हैं, भाभी ने पहले ही ले लिया था घर पे ही, और काजल ने नहीं लिया था, तो काजल ने अभी जाकर भाभी खरीदवाएंगे, और बाकी इसके बाद से अब मेरा बच गया तो मैं अपने लिए देखते हैं ले लेंगे। तो चलिए चलिए आप सब कमेंट में बताइएगा कैसा रहा साड़ी, और इसी ड्रेस कोड में हम बता देंगे येलो येलो कलर का सभी यूट्यूबर्स को, सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स को, और सब लोग सबके पास होगा वैसे येलो साड़ी, बाकी जिनके पास नहीं होगा जो नए लेना चाहेंगे वो उनको पहले ही बता कर रखेंगे तभी तो लेंगे, है ना। तो चलिए अब इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।